अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कक्षा 7वीं विषय हिंदी, इसमें हम आज सीखेंगे वचन और लिंग। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको वचन के बारे में समझाती हूँ कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या, संख्या का मतलब होता है तादाद, का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो आपको संज्ञा की यानी इस्म की तादाद बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, अब वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। बहुवचन को अक्सर अनेक वचन भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। किसी एक वस्तु, ध्यान में रखिए, किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जो आपको कोई एक वस्तु की यानी एक चीज़ की, एक व्यक्ति यानी एक शख्स की, एक आदमी की या किसी एक जगह की आपको बोध कराता है, मतलब मालूमात देता है, उसको आप एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, कलम, नदी, लड़का, तलवार, कहानी। ये सभी शब्द हमको एक कलम, एक नदी, एक लड़का, एक तलवार या एक कहानी का हमें बोध कराते हैं। उसी प्रकार से बहुवचन किसे कहते हैं, तो अनेक व्यक्ति यानी एक से ज़्यादा। अनेक क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, दस हो सकता है, सौ हो सकता है, हज़ार हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, बस वो एक से ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं अनेक। व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। बहु का मतलब होता है बहुत। ठीक है, तो जब कभी ऐसा शब्द जो अनेक, एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में, एक से ज़्यादा जगह के बारे में हमें बोध कराता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कलमे, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पहला जो एक उदाहरण लिया था उसमें मैंने आपको दिया था कलम, तो इससे आपको पता चलता है कि एक कलम या एक पेन की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे जब मैं उसी शब्द को हम अनेक बहुवचन में कर देंगे तो हो जाएगा कलमे। नदी यानी एक नदी, नदियाँ, इस शब्द से हमें ये एहसास होता है, ये बोध होता है कि एक से ज़्यादा नदी की बात हो रही है। लड़का, लड़के, ठीक है, तो 12 बजे, जैसे अगर मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँ तो सुबह 12 बजे के समय एक लड़का कक्षा में हाजिर था, उपस्थित था। 12:30 तक बहुत सारे लड़के आ गए, तो यहाँ पर लड़का, लड़के का अंतर आपको समझ में आया कि एक लड़का और अनेक लड़के। तलवार, तलवारें, कहानी, कहानियाँ। जैसे मैंने एक कहानी पढ़ी, अहमद को कहानियाँ पढ़ना पसंद है, तो इस तरह से यहाँ पे एक कहानी का है बोध होता है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कहानियाँ कही जा रही हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आपको बता करने के लिए आपकी पुस्तक में बताई गई थी, कुछ शब्द दिए हुए थे, उसका आपको वचन परिवर्तन करना था और वहाँ पर आपको उसको वाक्य में प्रयोग करना था। तो यहाँ पर पहला शब्द आपको दिखाई दे रहा है, क्या शब्द है बच्चों? हाँ, पहला शब्द है थैली। ये इस बात करी थी मैं इसकी कि यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए जिनकी आपको वचन बदलना है और कुछ शब्द दिए हुए जिनकी आपको लिंग परिवर्तन करना है। तो अभी हम जब वचन के बारे में सीख रहे हैं तो मैं वचन का आपको समझा देती हूँ। तो थैली जो है वो एक वचन है, जब ये बहुवचन हो जाएगी तो हो जाएगी थैलियाँ। यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दूँ कि जब थैली एक वचन में होती है तो उसकी दूसरी भी लांटी होती है, लेकिन जब वो बहुवचन में हो, हम जब उसे लिखते हैं तो दूसरी भी लांटी की ई की मात्रा जो है वो पहली भी लांटी में बदल जाती है और फिर हम यहाँ लगाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे वाक्य लिखा है, कपड़े की थैलियाँ उपयोग करें। इस तरह का कोई भी आप एक वाक्य लिख सकते हैं जिसमें थैलियाँ शब्द आए। दीवार, इस ये भी एक वचन है, अनेक वचन हो, बहुवचन हो जाएगा। दीवारें, दीवारें गंदी ना करें।
वस्तुएं उपयोग के बाद स्थान पर रखें। बालक, बालक का बहुवचन बालक ही होगा। बहुत से बालक झंडा लहरा रहे थे। तो इस प्रकार से हमने वचन परिवर्तन करके इधर वाक्य में उसका उपयोग किया है। तो ये आप इस तरह के यही वाक्य भी लिख सकते हैं, इस तरह के दूसरे वाक्य खुद से भी बनाकर आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा विषय है हमारा लिंग। लिंग किसे कहते हैं बच्चों? तो जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जो आपको ये बताता है कि कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। हम आप आगे देखते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो पुल्लिंग होता है कि जो संज्ञा, संज्ञा का तो मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, संज्ञा यानी इस्म है ना। तो जो संज्ञा शब्द आपको पुरुष जाति का बोध कराए, उन्हें कराते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, ये क्या है? संज्ञा है। अब इस शब्द से हमें किस कौन सी जाति का बोध होता है, कौन सी जाति का पता चलता है? पुरुष, पुरुष यानी मर्द। उसके बाद मोर, लड़का, बैल आदि, ठीक है। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग। तो जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराती है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनसे आपकी आप ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे आपको स्त्री का यानी औरत का आपको जाति का बोध होता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। इसमें जैसे यहाँ पे घोड़ा, घोड़ी, मोर, मोरनी, पुरुष पुल्लिंग में है लड़का तो स्त्रीलिंग लड़की, पुल्लिंग है बैल तो स्त्रीलिंग है गाय। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे लिंग परिवर्तन करके आपको इसका लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे पहला शब्द क्या है? गुड़िया। तो यहाँ पे गुड़िया, तो गुड़िया जो है वो स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा गुड्डा, मेरा गुड्डा सुंदर है, ठीक है। दूसरा वाक्य है अध्यापक, तो उसका बदल के हो जाएगा अध्यापिका। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, अध्यापिका यानी लेडीज टीचर, ठीक है। अध्यापक यानी जेंट्स टीचर, ठीक है। फिर होता है अभिनेत्री। अभिनेत्री यानी जो अदाकारा होती है, जो ड्रामे में या सीरियल में या फिल्मों में काम करती है, उसको करने वाली को कहते हैं अभिनेत्री, और जो करता है उसको कहते हैं अभिनेता। वह बहुत कुशल अभिनेता है, कुशल यानी बहुत अच्छा अभिनेता है। सास का हो जाएगा, सास जो है वो पुल्लिंग है, सॉरी सास स्त्रीलिंग है और उसका पुल्लिंग ससुर है। नेहा के ससुर अध्यापक हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दो चीज़ें सीखी, वचन और लिंग। तो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो के ज़रिए आपको समझ में आई होगी चीज़ें, बातें। और हमेशा आप याद रखिए कि जब भी आप कोई शब्द वाक्य बनाएं तो वाक्य जो है वो छोटे शुरू में, वाक्य शुरू में छोटे छोटे वाक्य बनाएं ताकि कम से कम गलतियां हों। और आप इस वीडियो को बार बार देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।